प्रोजेक्ट एग्रामी तक या अल्ट्रासोनिक जो सेंसर होते हैं वो सेंसर सेंस करते हैं और एक अलार्म बजता है, इससे डिफाइन हो जाता है कि जैसा कि हम लोग को पता है कि बालासोर हादसे में जैसी घटना हुई है, तीन ट्रेन आपस में टकराई हुई है, अगर उसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का उसमें अगर यूज होता तो इसका काम यह है कि अगर कोई ऑब्स्टिकल जहां इस 30 से 40 सेंटीमीटर के ग्रेड की रेंज में अगर आता है तो ये सेंसर उसको 10-10 माइक्रोसेकेंड के पे उसको एक मैसेज भेजता रहेगा। सबसे अहम हिस्सा है हम लोग का ये है सेंसर। देखते हैं ट्रेन का हादसा होता है, मतलब कुछ लोग जाके ट्रेन पे सुसाइड कर लेते हैं, तो उस लोगों को बचाया जाए इस कारण से इस आइडिया को जनरेट हुआ है। इसमें हम लोग का पांचों टीम का मेंबर का इक्वली काम है। कैसे पता चलेगा जब सामने कोई ट्रेन अगर आ गई तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर इसको वेव्स भेजता रहेगा। सेंसर ये यहाँ अगर कोई भी ऑब्स्टिकल है ना जहाँ 30 से 40 सेंटीमीटर के रेंज में अगर आता है तो वो सेंसर की हेल्प से है ना वो उसको एक मैसेज देगा उसको, है ना, कि सामने एक ऑब्स्टिकल। मेरा नाम आनंद कुमार, MIT मुजफ्फरपुर, बैच 2019-23। क्या ये बनाए हैं? क्या यह एक एंटी कोलिजन सिस्टम है, ठीक है। जैसा कि हम लोग को पता है कि बालासोर हादसे में जैसी घटना हुई है, तीन ट्रेन आपस में टकराई हुई है, अगर उसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर का उसमें अगर यूज होता तो इसका काम यह है कि अगर कोई ऑब्स्टिकल जहाँ इस 30 से 40 सेंटीमीटर के ग्रेड की रेंज में अगर आता है तो ये सेंसर उसको 10-10 माइक्रोसेकेंड के पे उसको एक मैसेज भेजता रहेगा। सबसे अहम हिस्सा है हम लोग का ये है सेंसर, ठीक है ना, अल्ट्रासोनिक सेंसर का। और भी इसमें मोटर ड्राइवर है ना, आर्डिनो है ना, ब्लूटूथ मॉड्यूल, इसकी है ना, इसकी हेल्प से एक ऐप के थ्रू है ना, MIT इन्वेंटर ऐप के थ्रू, इस ऐप का नाम है एंटी कॉल। इस ऐप को हम और आनंद मिलकर बनाए हुए हैं। और इसका एक और भी काम है कि मोटर ड्राइवर में है स्पीड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि और आर्डिनो यूनो में बहुत सारा प्रोसेसिंग का यूज़ इसमें हुआ है। वो कैसे पता चलेगा जब सामने कोई ट्रेन अगर आ गई तो वो अल्ट्रासोनिक सेंसर इसको वेव्स भेजता रहेगा। सेंसर ये यहाँ अगर कोई भी ऑब्स्टिकल है ना जहाँ 30 से 40 सेंटीमीटर के रेंज में अगर आता है तो वो सेंसर की हेल्प से है ना वो उसको एक मैसेज देगा उसको, है ना, कि सामने एक ऑब्स्टिकल है, ठीक ना। और यहाँ पे SO होगा, S मतलब क्या है, सिर्फ सहान तो सेफ रीजन, मतलब जब तक वो ऑब्स्टिकल हटेगा नहीं तब तक वहाँ से हटेगा नहीं। कैसे ये सब कर लिए, कब मन में आया आप लोगों को? हम लोग के मन में आया जब देखते हैं ट्रेन का हादसा होता है, मतलब कुछ लोग जाके ट्रेन पे सुसाइड कर लेते हैं, तो उस लोगों को बचाया जाए इस कारण से इस आइडिया को जनरेट हुआ है। इसमें हम लोग का पांचों टीम का मेंबर का इक्वली काम है, अमरजीत कुमार, आकाश कुमार, आनंद, अमन आनंद और विकास कुमार। कितना दिन लगा होगा और कितना मेहनत लगा होगा इसको बनाने में? कम से कम हम लोग को 2 मंथ लगा है सारे टीम को। और ये हमारे विकास सर हैं, इनके साहित्य में हम लोग को बनाए हैं, नेतृत्व में बनाए हैं, गाइड में। तो आगे क्या रहेगा इसका आदर्श? अगर गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग को कुछ समय मिलता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ राय मिलेगा तो इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है। कहाँ पढ़ते हैं? हम MIT मुजफ्फरपुर में मैकेनिकल ब्रांच से हैं। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार, MIT मुजफ्फरपुर, बैच 2019-23। मैं विकास कुमार, सहायक प्राध्यापक, MIT मुजफ्फरपुर। ये यंत्र बच्चों ने फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो कि 2K19 बैच के हैं इन्होंने बनाया है, और इस यंत्र का नाम इन्होंने एंटी कोलिजन सिस्टम दिया है, जो किसी भी कोलिजन को रोकने में, किसी भी व्हीकल के कोलिजन को रोकने में हेल्प करेगा। एक्चुअली ये घटना बालासोर में जो हुई थी, ट्रेन एक्सीडेंट उड़ीसा के बालासोर में, उससे मोटिवेट होकर बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में 6 सिस्टम लगे हुए हैं, ठीक है, ऑडिनो सिस्टम, मोटर ड्राइव सिस्टम है, ठीक है, आपका अलार्म सिस्टम है, उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइस लगा हुआ है, स्क्रीन है,
ठीक है। अगर इस डिवाइस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि 4 से 6 मीटर के रेंज में होते हैं अगर आते हैं तो ये बजर अलार्म बजने लगता है, ठीक है। और डिस्प्ले पे एक जो कि डिस्प्ले हो जाता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टेकल है, ठीक है ना। और अगर अलग अलग अगर बिल्कुल सेफ जोन है तो डिस्प्ले पे एस लिखा हुआ रहता है, मतलब सेफ जोन में है, ठीक है। और मोटर ड्राइव को एक सिग्नल चलाया जाता है जिससे कि मोटर ड्राइव क्या करता है, इस स्पीड को शून्य कर देता है, जीरो कर देता है। बच्चे MIT मुजफ्फरपुर के हैं जो कि मैकेनिकल ब्रांच के हैं, 2K19 बैच के हैं।